पीडीसी गोमेक आप झारखंड के नहीं है, एसपी गोमेक आप झारखंड के नहीं है, नहीं, क्योंकि ये आईएएस आईपीएस का केडर है, ये यूपीएससी देश की सर्वोच्च परीक्षा को पास करके आते हैं, पूरे देश में उनको केडर के हिसाब से चुनने का अधिकार होता है, ये सेंट्रल विषय है, हमने आज तक विरोध नहीं किया है। डीसी गोबैक, एसपी गोबैक, डीआईजी गोबैक, चीफ सेक्रेटरी गोबैक, हमने आज तक विरोध नहीं किया है। लेकिन यदि कोई बड़ा बाबू बन के आएगा, दरोगा बन के आएगा, थाना प्रभारी बन के आएगा, यूपी बिहार बंगाल एमपी गुजरात के लोग विरोध करेंगे, आप हमें अच्छा कहें बुरा कहें, हम अपने स्टैंड में कायम है, हम अपने स्टैंड में कायम है। आप डीसी बन के आए, फूल की माला, गुलदस्ता, सौ लड़ा के सम्मान करेंगे। आप एसपी बन के आए, स्वागत करेंगे। आप बड़ा बहु बन के आएंगे, बिल्कुल स्वागत नहीं करेंगे, हम आपका विरोध करेंगे। झारखंड बना क्यों है, झारखंड बना क्यों है, आप बताइए इस बात को। इसलिए आज हर एक नौजवान को इस बात को समझना होगा। यूं तो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, और हमने सोचा था कि लोकसभा में मनोज दा, संजय दा होंगे, मोती दा होंगे, हमने सोचा था कि हम तो विधानसभा राज के चुनाव को लड़ेंगे। लेकिन हम ये भी सोचते हैं कि जब लोकसभा का चुनाव होगा, जब एक तरफ नरेंद्र मोदी की प्रचार होगी, एक तरफ राहुल गांधी का रैलियां होंगी, एक तरफ हमारे हेमंत बाबू, बाबूलाल जी, सुदेश जी की रैलियां होंगी, हमारे कार्यकर्ता निराश हो जाएंगे, तो उन अपने निराश सेनाओं को मजबूती देने के लिए, उन्हें हिम्मत देने के लिए उनका सेनापति लोकसभा के मैदान में होगा। हमारी कोई इच्छा नहीं थी लोकसभा चुनाव लड़ने की, हम तो राज्य के मुद्दों के साथ यहाँ आए हैं, हम तो राज्य को नेतृत्व करने के लिए लोग हमें उम्मीदें कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा में हमारा आना, हमारे साथ साथ हमारे जो भाई आज मंच पे खड़े हैं, इनका लोकसभा में आना खासकर मेरा, इसीलिए कि हमारे सेना का मनोबल कम ना हो। जब सामने सुदेश जी आए, बाबूलाल जी आए, हेमंत जी आए, तो उनके सामने उनका बेटा, उनका सेनानायक झुमरा और पारसनाथ के बीच का टाइगर भी होना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है, इसी हौसले के लिए, इसी विश्वास के लिए, इसी हिम्मत के लिए लोकसभा चुनाव लड़ने का, और उसमें मैंने खुद भाग लेने का ऐलान किया है। नहीं तो हम लोग विधानसभा की तैयारी करते, मनोज दा, संजय दा, मोदी दा इनको कहते हैं, आप लोग लोकसभा की देखिए कहां कैसे फिट होगा, आप लोग चर्चा करें। बस अपने कार्यकर्ताओं को, जो हमारे सेना है, उन सेनाओं में शक्ति का संचार करने के लिए हमने उसी सीट को चुना है, और ये सब किनके आदेश से, निर्देश से, जहां से अगर चढ़ जाएंगे तो पूरा झारखंड दिखाई देगा, उसे झारखंड की सर्वोच्च चोटी पारसनाथ कहते हैं, जो 4480 मीटर फीट की ऊंचाई पर है। इसलिए आज बड़का गांव की बात कीजिए, कुछ दिन पहले बड़का गांव के कुछ साथी आए थे जैन सिन्हा से मिलने के लिए, इन्होंने साफ साफ कहा कि जमीन तो आपको देनी होगी। जयंत सिन्हा ने साफ साफ कहा जमीन तो आपको देनी होगी। बताइए तुमको सांसद कहे बनाए हैं, बप्पों को सांसद बनाए, बेटों को सांसद बनाए, अब तुम बोल रहे हमारे बेटुओं को सांसद बनाओ इसी दिन के लिए। विकास का कोई विरोधी नहीं है, आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं कोई विकास का विरोधी नहीं है, लेकिन विकास का एक मापदंड होना चाहिए, जमीन अधिग्रहण का एक मापदंड होना चाहिए, मुआवजा का एक मापदंड होना चाहिए। अरे आइए ना भाई, बड़का गाँव क्या, पूरा बड़का गाँव विधानसभा जिसमें केड़े डाड़ी पदरातू भी आता है, सारा जमीन आपको एक मुफ्त में दे देंगे, आप प्रति डिसमिल 1,00,000 रुपया मुआवजा तो लगाइए। क्या गलत है भाई, क्या गलत है? आज ये सब बोलते सरकार की संपत्ति है, सरकार 1947 में बना है, भारत का गणतंत्र 1950 में बना है, ये जमीन चाहे बड़का गांव की रहे, बरही कोडरमा की रहे, या धनबाद बुकाको पुकारो की रहे, उनके बाप दादा नहीं करने से भी कम से कम 10 पीढ़ी से जोत खोड़ रहे हैं, कम से कम 10 पीढ़ी यानी एक पीढ़ी में 50 साल, यानी 500 साल से, मुगलों के काल से, उसके आगे से, कहीं राजा राजवाड़ों के काल से ये जोत खोड़ रहे हैं। बताइए आप एक झटके में कानून लेके आएंगे, हमारी सारी जमीनों को चटभर में अधिग्रहण करके चले जाएंगे, और किसके लिए? एक व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति का नाम है माननीय श्री श्री 108 श्री गौतम अडानी। एक व्यक्ति के लिए, यही लोकतंत्र है? आज भारतीय जनता पार्टी रामराज के मुद्दे पर है, तो क्या रामराज यही है? अडानी जैसे लोगों के हाथों में देश की संपत्ति? अभी मार के पीट के मर्जी से नहीं, क्या ये पता कीजिए, गोड्डा का प्लांट, आदिवासियों को जबरन मार पीट के जमीन लिया गया, और सारा बिजली बांग्लादेश को, कि हमर पानी हमर पसीना, और बिजली जले तो शेख हसीना। अरे भाई बिजली देना था तो बांग्लादेश की महारानी शेख हसीना को कहे, हमारे यहाँ शेख भाई बैठे हैं, उनकी खाला जाने शेख फातिमा, उनको बिजली देते, हमको कोई दिक्कत नहीं है।
हमारे फरजान खान जी बैठे हैं, उनकी से फातिमा को बिजली देते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। रिजवान जी पीछे बैठे हैं, इनकी खाला जान को देते हैं, क्योंकि यहाँ कोडरमा के भी साथी आए हैं। हाल ही फिलहाल एक फेल के पदाधिकारी 2 दिन पहले हमसे मिलने आए, उन्होंने कहा कि केटीपीएस में 1000 मेगावाट बिजली का सृजन हो रहा है, 500 मेगावाट दिल्ली को जाएगा, 300 मेगावाट पश्चिम बंगाल को जाएगा और 200 मेगावाट झारखंड को मिलेगा। दिल्ली में सवाल पूछने वाला कोई माइकल लाल नहीं है। कहे दिल्ली भाई, कहे की दिल्ली, जमीन हमारी, जल हमारा, परिश्रम हमारा, श्रम हमारा, तो पहले हमें मिलना चाहिए, फिर दिल्ली को दीजिए, चाहे जिसको दीजिए, हमें आपत्ति नहीं है। 1000 मेगावाट में 500 मेगावाट झारखंड को मिलना था, लेकिन यह उल्टा होता है, दिल्ली को 500 मेगावाट मिलेगा। अरे हम तो आज तो केवल एक छोटी सी नौकरी के चलते देखते हैं कि बाहरी भीतरी हो रहा है, कभी बड़ा अपने दिमाग को बड़ा उठाइए, बड़ी बड़ी चीजों को देखिए, आपको पता चलेगा कि कितना अन्याय इस मिट्टी में होता है। हमको अन्याय पता चलता है जब टीचर की बहाली चतरा में, गढ़वा में होती है, मैक्सिमम यूपी बिहार के आते हैं, तब हमें पता चलता है। अच्छा बढ़िया तो लेकिन हमें यह पता नहीं चलता है कि हमारी नदियों में, हमारे डैम में बिजली का उत्पादन होता है और सारा अन्य प्रदेशों में जाता है, अन्य देशों में जाता है और हमें डिबरी जलाना नसीब होता है। चतरा में अभी जल हो, हाँ तो चतरा तो केबीसी में हो। हमें ताज्जुब होता है कि चतरा मैक्सिमम वहां ग्रामीण वोटर है, हजारीबाग भी मैक्सिमम ग्रामीण वोटर है। अरे हजारीबाग में टाउन का वोटर कहां है? सदर में। बरही ग्रामीण, मांडू ग्रामीण, रामगढ़ ग्रामीण, बड़का गांव ग्रामीण, और 20-25 साल से इन लोग बाप बेटा कब्जा करके रखा है, कहीं ना कहीं लीडरशिप मर चुकी है झारखंड की, लीडरशिप मर चुकी है झारखंड की। इसलिए लीडरशिप तैयार कीजिए, अगर आप लीडरशिप तैयार नहीं करेंगे तो आज जो दुर्दशा है 20 साल बाद इसकी दुगनी होगी मेरे साथियों। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा, लीडरशिप बनाइए। आप लीडरशिप नहीं बनाते हैं, इसीलिए ब्लॉक में जाके झारखंडी लोग चमचागिरी करते हैं। आप लीडरशिप नहीं बनाते हैं, इसीलिए चमचागिरी करते हैं। अब यह तो लड़का लोग आया है, आप लोग बोला रहे टाइगर वा तो नेता बन, तो मनोजवा नेता बन, तो संजया नेता बन, तो मोतिया नेता बन, तो नेता बन, तो रिजोनवा नेता बन, तो के बोलियो कि जयंतवा नेता बन सकल है, चतरा के सुनीलवा नेता बन सकल है, पलामू के पीढ़िया नेता बन सकल है, रांची के संजय सेठवा नेता बन सकल है, तो हमने की दिक्कत है, की खराबी है? कि खाली रांची के संजय नेता बनता है कि हजारीबाग के भी संजय के नेता बनना चाहिए? एक्चुअली हम लोग का माइंडसेट, हमारे माइंडसेट में गुलामी है, और ईमानदारी से बोल रहे हैं, ये टाइगर का यूं अचानक आना ये कोई प्लानिंग का हिस्सा नहीं है, हमें कहीं ना कहीं नियति ने अवसर दिया है उस माइंडसेट को बदलने का, और बदले हैं, बदले हैं। आप 6 महीना के इतिहास को पढ़िए, पतरातू से लेकर कोल्हान से लेकर संताल प्रगणा में जितना भी मजदूर का मुआवजा मिला है, पढ़े इतिहास को, इससे पहले 2 लाख 2.5 लाख मिलता था, ओहो नहीं मिलता था, 15 से 20-25 लाख तक का मुआवजा हम लोग दिलाए हैं। हाले फिलहाल कल रात को पतरातू में गए थे, वहां 15 लाख का मुआवजा, अभी हम थे भी नहीं, 23 लाख। तो इसका मतलब क्या कि पहले मुआवजा नहीं मिलता था? मिलता था, लेकिन पहले नेताओं का सेटिंग था कि देखिए अगर आपको मुआवजा देना है 10 लाख, उसको आप 5 लाख दीजिए, 2 लाख बगल का डीएसपी को दीजिए, 2 लाख हमको दीजिए, बाकी मैनेज कर देंगे। ये सिस्टम को हमने बदला है कि हम नेताओं की एंट्री पीछे के गेट से नहीं, टाइगर की तरह आगे की गेट से होती है और लाइव मीडिया के सामने होती है। इसलिए आज ये समय की मांग है, बाकी यदि हम लोग को लीडर ही बनना था तो मैं आज फिर आपको बता रहा हूं, हमारे केंद्रीय कमेटी के वरीय साथी पदाधिकारी हैं, उन्होंने फिर आज कहा कि बड़ी पार्टी है 2 सीट दे रही है लोकसभा चुनाव में, बड़ी पार्टी है 2 सीट दे रही है लोकसभा चुनाव में, अगर नेता बनने का होता तो ले लेते, क्योंकि आप भी जानते हैं कि देश के जब चुनाव की बात आती है एनडीए और इंडिया मजबूत है, और इंडिया की तुलना में एनडीए कहीं मजबूत है, लेकिन दोनों टीमें लगातार हम लोग से संपर्क में है, हम लोग का एक ही लाइन कहना है
कि टेंशन मत लीजिए, अगर लड़ते लड़ते हार भी जाएंगे ना तो याद रखना गालिब, शहर की गलियों में गांव की पगडंडियों में तुम्हारे जीत से चर्चा हमारे हार की होंगी। और जीत गए तो इतिहास भूगोल व्यवस्था को बदल देंगे, जीएम सीएमडी अधिकारी आला अधिकारी सोच को बदल देंगे, क्योंकि उनको अभी बता दें हमारे पास बैकग्राउंड में कोई एमपी एमएलए नहीं, झुमरा और पारसनाथ खड़ा है। मूड खराब मत कीजिएगा, मूड एकदम मत खराब कीजिएगा, मां जिंदा रहने यहां कोई नहीं आया है, सूरज भी एक दिन मर जाएगा और धरती भी एक दिन मर जाएगी। कितना साल है, कई अरब साल तो धरती का लाइफ है, ये पेड़ भी नदी नाला सब मरेंगे, खाकी रहे चाहे खादी, और ऐसे भी हमने मौत के साये में झारखंड बनाया है, हंसते हुए झारखंड नहीं पाया है, हमने मौत के साये में झारखंड बनाया है। इसलिए इस भूल को ना सोचें कि ये कर देंगे वो कर देंगे, सुनिए जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको साफ संदेश देंगे, कुछ करना ही है तो सीधा कत्ल कीजिएगा, जिंदा रह गए तो बदला गिन गिन के लेंगे। अभी चरही में हम रात ठहरे थे, वहां एक साथी आए, बोले मेरे पिताजी का ब्रेन हेमरेज से डेथ हो गए। हम बोले कहे न, बोला सीओ की बेईमानी से एक छपरा का आदमी 60 एकड़ जमीन हम लोग का कब्जा कर लिया है। हम एक लाइन बोले, ये चरही का विषय है, आज 12वां है, जाके पता कर लीजिए कितना बेईमानी यहां होता है झारखंड में, कोई सुथरा नहीं है, तभी सुधार होगा जब सिस्टम सुधार होगा, 60 एकड़ जमीन अधिग्रहण हो जाता है। अब बताइए छपरू पार का आदमी सीएनटी का जमीन कैसे पंजीटू में चढ़ाया जी, वो आदमी ब्रेन हमेशा सोच सोच के मर जाता है। हम एक ही लाइन बोले, जिस जमीन के कारण बाप का जान गया है, अगर वास्तव में उसी बाप का खून बहता है तो जिसने कब्जा किया है चैन से नहीं रहना चाहिए, चैन से नहीं रहना चाहिए। बाप ऐसे तो मर रही, अगर नहीं रहे तो बाप का वह सोच जिंदा रहना चाहिए। बाप भी जानता है कि जो जमीन है यह अचल संपत्ति है, दुनिया में सारी संपत्ति खत्म हो जाएगी, ये मोबाइल ये पैसा कोड़ी, लेकिन अगर कहीं से इंसान की जरूरत पूरी होगी, अनाज से होगी और खेत में उगाया जाता है। बताइए क्या अन्याय